ये जो प्रश्न है हमारा क्लास टेंथ का फाइव चैप्टर का क्लास है एपी का प्रश्न है, जो कि एपी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, जिसमें कि ए 12 और डी का वैल्यू दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एन और एसएन का वैल्यू। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा ए प्लस इंटू में होता है एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। और ए एन का वैल्यू दिया हुआ हमारा कितना 37। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड करना है और एस एन का वैल्यू फाइंड करना है। फार्मूला बैठाएंगे हम लोग यहाँ पर, फार्मूला ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है, सॉरी ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होगा हमारा, ए प्लस एन, एन है तो एन की जब क्या रखेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ हमारा 3, बराबर दिया हुआ एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37। एन होता है हमारा फार्मूला में 37। अब यहाँ पे ध्यान वाली बात ये है कि ए प्लस 12 में से ए घटेगा कितना होगा 11, ये इसके साथ गुना में है, गुना कर देंगे 3, बराबर हो जाएगा 37। ओके, तो ए प्लस 33 मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 37। हमारा ए का वैल्यू फाइंड करना था हमारा, तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारा 37 माइनस 33, तो एज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 4 निकलेगा। ओके, एज इक्वल टू 4 निकलेगा। सॉरी, जो प्रश्न था यहाँ पे एन नहीं था, यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करना था। अब बोल रहा है एस एन का फार्मूला, एस एन का वैल्यू, तो हम जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन बाई टू इंटू में होता है हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा फार्मूला। आई होप कि फार्मूला आप लोग को याद होगा, अगर नहीं होगा तो ये आप लोग फार्मूला नोट कर लेंगे। ये होता है हमारा एस एन का फार्मूला। ओके, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 बटे में 2 इंटू 2 गुना में a का वैल्यू निकालने में भी 4, प्लस में n का वैल्यू है आपका 12 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 हो गया। दो से इसको कटा देंगे, 2 6 बार में कट जाएगा हमारा, क्या हुआ 6 इंटू में 4 गुने 2 8 प्लस 12 में से 1 घटेगा 11 गुना 3 करेंगे हो जाएगा आपका 33। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 इसके साथ हुआ 1 गुना में हो जाएगा आपका, 8 और 33 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41। अब सो कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एस एन का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 6 1 6 और 6 4 जो होता है 24, 246 हमारा एस एन का वैल्यू निकल गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।